कल तो हम लोग स्वयंभनाथ टेम्पल गया था, जो योदो मूवी का एक मूवी लोकेशन था। अभी हम लोग आज एक्चुअली यहाँ पे स्नेक फेस्टिवल हो रहा है, तो हम लोग सोचा कि नाग पोखरी करके एक जगह है जहाँ पे बीचों बीच में एक बहुत बड़ा पोंड है, उसके बीच में एक नाग का एक स्कल्पचर है, तो वो देखने के लिए आ गया। तो एनीवे, यो यो गाइस, दिस इज शान हियर, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हमारे वहाँ से हॉस्टल से एक्चुअली 10-15 मिनट का दूरी है, ये नाग पोखरी करके एक जगह है। मैं और जो पार्टनर है वो दोनों साथ में आ गया है देखने के लिए। एक्चुअली नाग का स्कल्पचर है और वहाँ पे चढ़ाता है, जो भी चढ़ाना आपको यहाँ से मिल जाएगा, पूरा सामान वहाँ से मिल जाएगा। और मेरा पार्टनर जो है यही है। तो हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग ग्रेट मैन। वेयर आर यू राइट नाउ? वेयर आई एम? वेयर एम आई? नाग, वेयर वी आर? या या, नाग फेस्टिवल, आई डोंट नो द नाग, व्हाट वाज इट, नाग फेस्टिवल, नाग पोखरी, पोखरी. That's the place name. Yeah, Nag so, Festival, with the snake festival. Yeah, there is a festival going on today. So everybody has come down here to, you know, show their respect to Nag. And they actually asked for wishes. For what? Wishes to be completed. And that's what they are doing there. And they also, they put like a snake. They have little pictures that they sell in the little stores that they put up on the above their door or next to their door for protection or something. Protection. Right. Ah, okay. All right. This is a Hindu and Buddhist culture. Right. तो ये एक्चुअली हिंदू बुद्धिज़्म का एक कल्चर या फेस्टिवल है ये। अगर यहाँ का एक पिक्चर है, वो अगर पिक्चर आपके घर के बाहर रखोगे तो वो प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा माना जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, छोटा छोटा स्टोर्स भी है जहाँ से आप खरीद सकता है, और चढ़ाने के लिए आपको वहाँ से मिल जाएगा। एक बार यू नो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यू गेट ऑल द डीट ऑल दी, चढ़ाने के लिए जितने भी सामान चाहिए सारे वहाँ से मिल जाएगा। जिस फोटो की हम लोग बात कर रहे थे, ये वही फोटो है। यू एक्चुअली कैन पुट इट आउटसाइड योर डोर, और माना जाता है कि ये प्रोटेक्ट करेगा आपको। और यहाँ पे दिया भी जलाया जाता है, देखा आपने, बहुत सारे लोग जला रहे हैं अगरबत्ती भी। बर्ड ने एक्चुअली आप यू आर गोइंग टू पुट दैट ऑन, आई डोंट नो विद इट, आई गॉट टेक कीप द पिक्चर्स एंड दैट, व्हाट डू आई डू? तो हम लोग सोचा कि ये जो पॉन्ड है ना, एक बार वॉक करके पूरा देख लेते एक बार। और बर्न ने वहाँ से एक फ़ोटो लिया और पूजा का थोड़ा सा सामान भी, और वहाँ पे डालने वाला था, तो एक बार ये करके वो डाल के फिर यहाँ से निकलूँगा। फिर हम लोग जाएंगे पुष्पतिनाथ टेंपल। ये यहाँ से पुष्पतिनाथ टेंपल तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे, तो वहाँ जाऊँगा। वहाँ पे आज मतलब पूजा हो रहा है आज शाम को, तो वो भी करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट, तो यही प्लान है आज का। साधु साधु, हाँ, दैट इज साधु।
जो मॉन्क होता है ना वैसे साधु हिंदू रिलीजन में जो होता है, आपको तो पता है ना, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एक्चुअली यहाँ तक है, यहाँ पे आपको खिलौने का सामान भी बहुत सारा मिल जाएगा। ये देखो थोड़ा सा स्ट्रीट फूड भी है यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे जाके ऑफरिंग कर रहा है, तो इसके बाद हम लोग निकलेंगे पुष्पनाथ टेम्पल। एक्चुअली मैंने सोचा था कि जब स्नेक फेस्टिवल होता ना उसमें थोड़ा सा दिखाने के लिए मिलेगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। हमारे वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्नेक का टेम्पल है, तो मैंने सोचा उसके तकरीबन मतलब सिमिलर ही होगा, मगर नहीं है। बट कोई नहीं, देख तो लिया एटलीस्ट। अभी हम लोग चलेंगे डायरेक्ट, हम लोग पशुपतिनाथ टेम्पल तो पहुँच चुका है। ये पशुपतिनाथ टेम्पल, यहाँ पे क्रिमेशन भी होता है ऐसे मैंने सुना है, और कह रहा है कि जूते अलाउड नहीं है, तो मैंने जूते सारे आपका हमारा अर्पण का अंदर रख दिया। हम लोग अभी वापस मतलब अंदर जाऊंगा और थोड़ा सा मतलब जितना भी देख सकता है वो सब देखूंगा, और वो कह रहा है कि कैमरा अलाउड नहीं है, तो कैमरा शायद यहीं पर रख के मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट शॉपिंग आपको मिल जाएगा, बहुत सारे स्ट्रीट शॉपिंग। अगर पूजा का सामान चाहिए वो भी मिल जाएगा वहाँ पर सब जगह पर। तो एनी वे आई गो इन साइड एंड देन आई कम बैक आफ्टर आई सी वट एवर आई सी आई एक्सप्लेन इट यू एज़ वेल। टेम्पल के अंदर तो पहुंच गए, उन्होंने बोला कि कैमरा नहीं अलाउड है, तो मैं कैमरा नहीं लेके आया। जब गेट पे आया तो वहाँ पे सिक्योरिटी ने रोक दिया, उसने बोला कि वहाँ पे मना है। तो मैंने कहा मैं इंडियन हूँ, तो इंडियन तो अलाउड है, बट बेल्जियम जो नेशनलिटी है वो अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा वेरी सैड, मुझे नहीं पता कि कंट्री का क्या मतलब है, मतलब इस बेसिस पे कैसे रोकते हैं लोग, आई डोंट नो, वेरी थोड़ा सा नेगेटिव फील हुआ। बट बहरहाल उनका अपना अपना वो सिक्योरिटी रीजंस होगा। ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पे 108 टेम्पल्स है और 108 प्रीस्ट भी। तो मैंने पूछा कि आप ये कहाँ पे चढ़ाना है, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि वो ऑलरेडी यू नो इफ़ यू हैव सीन द वीडियो ही हैज़ परचेज्ड दिस, तो उनको ये चढ़ाना था, उनके नाम मैंने लिख के ले लिया। तो यहाँ आके 108 टेम्पल है ना, उसी में किसी में एक में आप ऑफर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेन टेम्पल है वहीं पे करूँगा, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिया दिला रहा है, देखा तो कुछ अलग सा होगा। नाइस, तो मैं अंदर जाके ऑफरिंग दे के वापस भी आ गया इनके नाम पे। तो अभी इन्होंने बोला जहाँ पे पार्किंग किया था एक बहुत अच्छा बंदे को मिल गया था, वो एक दुकान चला रहा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से जाएगा तो आपको एक सेमिटरी है, एक डियर गार्डन है, और दो तीन टेंपल भी है यहाँ पे, और टूरिस्ट के लिए जो अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे कुछ है वो भी देखने को मिलेगा ऐसा बोला है। तो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे आपको पशुपता योगा आश्रम मिल जाएगा, और यहाँ पे लोग रहते हैं शायद, हाँ लोग रहते हैं, हाँ ये आश्रम है, प्रॉपर आश्रम है जहाँ पे साधु लोग रहते हैं, और बाकी लोगों को भी यहाँ पे एकोमोडेट करेगा शायद, इतना मुझे पता नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि बाबा के जो सुट्टा है ना यहाँ पे मिलता होगा शायद, यू नो यू आई थिंक यू गेट बीड हियर लाइक फॉर अ लॉट। I don't know when, but I want to go to an ashram. Like maybe you want to go to an ashram? Yeah. That's I think in Nepal also you find a lot of ashram. Yeah, and in India also, yeah. I want to go there, like meditate a few days maybe. Ah, like yoga. Yeah, yoga meditation. Ah, sure. Maybe I can, connect you with Anton. He's actually there. He finished 3 weeks program already. Yoga retreat it is called. It's in Rishikesh. I want 3 weeks. It's actually for a month course and a 3 month course, I guess.
If you want to go for a month course, they'll show you a couple of, I don't know, they will teach you how to be at peace, is what Anton told me. So, you know, you can always try. So, we have to take entry from the bus. They took me very loving. I thought I would get some prasad wasad. But they said that you are allowed, but he's not allowed because he is a foreigner. And I don't understand why though. So they said there is a, this is the most important place in the entire, amenities. So here you have a bank river. And here you can actually go inside. Oh yeah. See, that is where the cremation happens. तो हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे एक बार देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है और वहाँ पे भी है टेंपल और ऊपर भी जा सकता है यहाँ पर वहाँ पे एक पार्क है मुझे नहीं लगता मैं जाऊँगा आज पार्क बट हाँ शायद उधर मैं जाना चाहता हूँ आज बताने ही भूल गया एक्चुअली उन्होंने चार्ज किया 1000 नेपाली रुपीस खाली इनको और वो कह रहा कि खाली हिंदू जा सकता है मैं तो सोच रहा था कि भाई मैं अंदर जा पाऊंगा या नहीं उन्होंने कुछ बोला नहीं खाली पूछा कि इंडिया से या नहीं बस उतने में भी बस सब हो गया तो थैंक यू सो मच ये एंट्री जो है ना ये एक्चुअली क्रिमेशन होता है यहाँ पर तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप समझ लेना क्या है क्या नहीं है जितना मैं वीडियो में ले सकता हूँ उतना मैं ले लूँगा बाकी आप मेरे फैमिली तो बहुत समझदार है वैसे भी तो आप लोग समझ जाए ना Have you ever seen a cremation before? Kind of beautiful. Yeah, for me too. Like not very. Very? Yeah, it's like it's nothing like this in Belgium. Just you could just walk in while people are burning their loved ones. Yeah. Then they throw the ashes in the river, right? In the river, yeah. And that's the custom. Yeah. That's what it says in Hindu religion today. मैं ज़्यादा देर वहाँ पर रुक नहीं पाया क्योंकि बहुत sad सा feeling हो रहा था when we were there. वहाँ पे 5 क्रमेशन हो रहा था तो मुझे बहुत मतलब होता है ना नेगेटिव एनर्जी तो पता नहीं आई डोंट नो तो एनीवे तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे एंड देन विल सी व्हाट इज़ अप देयर जैसे आप वहाँ से आओगे और लेफ्ट जाओगे तो आपको एक पार्क मिल जाएगा ऊपर मेहनत कर रहा था तो हाँ यहाँ पर खाने के लिए भी रेस्टोरेंट जैसे थोड़ा सा छोटा सा हट भी है जहाँ से आप खा भी सकते हो पी भी सकते हो नाइस कूल ये देखो ऊपर का नज़ारा वो जो गोल्डन कलर का टेंपल है ना वहाँ पे गया था मैं ऑफर करने के लिए उनका जो ऑफरिंग था क्योंकि वो अंदर नहीं जा पाया तो वहाँ पे खाली हिंदूज अलाउड है मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ खा लूँ फिर या फिर पी लूँ थोड़ा सा मतलब थर्स्टी हो रहा है तो विल ड्रिंक समथिंग एंड देन विल लीव फ्रॉम हियर आई डोंट नो देयर इज मच टू सी हियर एनीवे मगर यहाँ का जो हिस्ट्री है कल्चर है वो बहुत अनोखा है यार यहाँ पे क्रिमेशन भी होता है पूजा भी होता है ऑफरिंग्स भी होता है और बहुत सारे टेंपल्स हैं 108 टेंपल्स कैन यू बिलीव दैट तो अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो सारे भगवान यही मिल जाएगा आपको नाइस तो जैसे आप लोग देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पे छोटा छोटे बच्चे और औरत बेच रहे हैं बलून वलून सब और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं
वहाँ से क्रिमेशन का जो धुआं ना निकल के यहाँ तक आ रहा है, मैं यहाँ तक यू नो आई कैन स्मेल इट. तो आई डोंट नो व्हाई दिस पीपल आर सिटिंग डाउन हियर और यू नो सिटिंग डाउन देयर वॉचिंग समथिंग. आई डोंट नो व्हाट इट इज. व्हाट इज इट? डू यू नो मैन? आपके नाम? नहीं, ही वांट्स दिस. Little sneaks. Oh yeah, I thought so. Alright. You should go check. What is that you want? It's nothing, man, that I can give. It's plastic again. They'll just throw it away. It's plastic. You should open it. I should have opened it. Oh, man, will it open by itself? I should have opened it. Maybe. I don't know. It wasn't that tight. I mean, it was all clear. I'm gonna drink Fanta. Opened it. Opened it, man. That's crazy. Can't believe this. This is crazy. एनीवे तो मैं बता रहा था कि अगर आपको ये सब यहाँ पे क्यों बैठा है मुझे बता देना. और यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे, फिर शायद हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है, शायद वो आएगी. मे बी विल गो फॉर पार्टिंग, आई डोंट नो. उसके बाद हम लोग सबसे ऊपर आ गए. यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर है. अभी तो बहुत रात हो गया. वैसे मैं ये शूट कर रहा हूँ अपना जो वीडियो एंडिंग वाला मैसेज है ना, वो करके ये शूट कर रहा हूँ, ताकि बिकॉज आई जस्ट सो दिस. हम लोग ऊपर आ गया, तकरीबन 50 स्टेप है ऊपर आने के लिए बस. यहाँ पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी हो रहा है, एक्सरसाइज. तो ये सब आपको देखने को मिलेगा जब आप ऊपर आओगे ना. तो एक मिनट, जब आप ऊपर आओगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा. और ये यहाँ पे आपको लॉर्ड गणेश का और बहुत सारे यू नो भगवान आपको दिखने को मिलेगा, मतलब टेंपल आपको दिखने को मिलेगा, बहुत सारे टेंपल. तो आप लोग यहाँ पे पूजा भी कर सकता है. अर्को कुरा भक्तजनहरू यो भिडभाड छ, तपाईँहरूको सामान हराउन सक्छन्, आफ्ना सामान सुरक्षा गर्नु होला, या पछि मेरो फलाम सामान हराइन्छ भनेर नभन्नु होला, किनभने आफ्नो सामान सुरक्षा आफ्नो भूमि नेपालको सनातन धर्मको सम्पूर्ण भक्तहरूको ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति. आफ्ना कलाकार साथी भाइसँग भएको छ. अब हम लोग जब वापस आ रहा था तो बॉडी लेके जा रहा था, एक मामी का, मैं एक माँ का और एक बेटी का क्रिमेशन के लिए, और एक बंदे का, पता नहीं क्या हुआ. उसके बाद तो बहुत सारे मोड ऑफ हो गया, तो वो जाके मंदिर चला गया, वो मैं बाहर. तो इसके बाद मेरा एंडिंग वीडियो का जो मैसेज है ना वो आएगा. तो एनीवे दिस इज आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 4th or 5th वीडियो फ्रॉम नेपाल. तो इसके बाद हम लोग चलेंगे काठमांडू. कल मुझे पूरा एडिटिंग करना है, उसके बाद मैं चलूँगा. ओके, अभी के लिए तो व्लॉगिंग ख़त्म होता है. तो थैंक यू सो मच.
और ये जो नेपाल का जो सीरीज है ना बहुत अच्छा आने वाला है। और अभी यहाँ से हम कल नहीं जाऊँगा क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है, अपलोडिंग करना भी है उसके बाद। तो हम लोग निकलेंगे पोखरा के लिए परसों और वहाँ पे होगा 4-5 दिन, उसके बाद डायरेक्ट लखनऊ। तो मिलते हैं अगले दिन नया वीडियो के साथ।